पार्टी सदारत बचाने के बावजूद नवाज शरीफ की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। एहतसाब अदालत पनामा रेफरेंसेस की समाअत आज करेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की पेशी कायम का नवाज शरीफ के बेटों के दायमी वारंट जारी करने से मुतालिक फैसला भी सुनाया जाएगा। अदालत ने चार गवाहों को भी तलब कर रखा है। So the motion for consideration of the bill is rejected. नून लीग ने नवाज शरीफ को माइनस होने से बचा लिया। कौमी असेंबली में नाहिल शख्स को पार्टी सरबराही से हटाने का बिल मुस्तरद। 163 अरकान की जानिब से पीपल्स पार्टी के बिल की मुखालफत 98 ने हिमायत की। नवीद कमर की जानिब से नतीजा मुस्तरद करने पर वोटिंग। जफरुल्ला जमाली अपोजिशन के साथ खड़े हो गए। कयादत से नाराज या मूड खराब, हुकूमती हमायत में 180 वोट पड़ने का दावा ही रह गया। नूली के 188 में से 147 अरकान की राय शुमारी में शिरकत। 41 अरकान अहम तरीन इजलास में भी ना आए। हुक्मरान जमात 26 इत्तेहादियों का वोट हासिल करने में भी कामयाब। नंबर गेम में नून लीग को धचका। अददी बर्तरी कम होने लगी। सादा अक्सरियत पर भी सवालिया निशान। शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर आजम बनकर 221 अरकान का एतमाद हासिल किया। आज हिंसा 163 रह गया। 92 न्यूज के प्रोग्राम मुकाबल में आमिर मतीन का तज़िया। जो इनके बानी थे इस शिक को निकाल दिया। बिल पेश होते ही ऐवान में गर्मी। 1975 में पीपल्स पार्टी ने भी ऐसे ही तरमीम की थी। उस वक्त तो किसी ने एतराज नहीं किया। परवेज मुशर्रफ ने नाहली शिक दोबारा आयन में शामिल की। जाहिद हामिद का मौकिफ, वजीर कानून झूठ बोल रहे हैं, ऐवान में बैठे शर्मा रही है। आरिफ अलवी का जवाब, शाजिया मरी की भी शदीद तनकीद। शाह महमूद कुरैशी को माइक देने पर ऐवान में हंगामा, नारेबाजी। दाहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। पाकिस्तान की सियासी जमातों की क़यादत का फैसला चंद लोग नहीं करेंगे। चंद अफराद 20 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। किसी को माइनस नहीं होना चाहिए, ऐसा होने पर जमहूरियत माइनस हो जाती है। ख्वाजा साद रफीक का जज्बाती खिताब, बोर्ड पार्लियामेंट ऐसे कानून ना बनाए जिनसे जमहूरियत कमजोर हो। वजीर रेलवे बार बार मुदाखलत करने वालों को भी टोकते रहे। आगाज पर शेर भी पढ़ा। जमहूरियत का तमाशा बनाने पर नून लीगी अराकीन शर्म से सर झुका लें। इमरान खान का तरमीमी बिल मुस्तरद होने पर ट्वीट। पीटीआई सरबरा ने कहा कि हुक्मरान नून लीग ने नौजवान को पैगाम दिया कि करप्शन कोई बुराई नहीं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। बिल मुस्तरद होने पर शेख रशीद का तबसरा, बोले नवाज शरीफ को बचाना नून लीग की कामयाबी नहीं, 40 अरकान फिर भी गैर हाजिर थे। पाकिस्तान में जमहूरियत पहली बार अपने खिलाफ साजिशों को पैदर पे शिकस्त दे रही है। मरियम नवाज का ट्वीट, कहती है दबाव और धमकियां बर्दाश्त करके नवाज शरीफ का साथ देने वालों को सलाम। सब मिलकर एक शख्स को माइनस करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके, क्योंकि नजरिए को माइनस नहीं किया जा सकता। सियासत में जिद्दत, बिलावल भुट्टो का होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्तलिफ शहरों में बयक वक्त खिताब। मुखालिफीन पर खुलकर तनकीद। पीपी चेयरमैन बोले, खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के दावे झूठ हैं। सूबाई हुकूमत 4 साल में एक भी नया कॉलेज नहीं बना सकी। ज्यादती की शिकार लड़की को इंसाफ भी नहीं दिलवा सकी। फैजाबाद में तहरीक लबैक का धरना 17वें रोज में दाखिल। पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ की खादिम रिजवी, अफजल कादरी और मुजाकराती कमेटी के अरकान से मुलाकात। हुकूमत से मुजाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। धरना कायदीन वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे पर बजिद। उधर कराची में भी धरना जारी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी इजहार यकजहती के लिए पहुँच गए। लाहौर में रैली। या रफी अश्शा
मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। गलियां बाजार सजने लगे, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे गूंजने लगे। शमाए रिसालत के परवानों का जज्बा रूज पर। इसहाक डार अदालती मफरूर करार, अब तलबी के लिए छपेगा इश्तिहार। एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी मुल्ज़िम करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर इश्तिहार तलबी का हुक्म जारी करने का फैसला। वज़ीर खजाना की हाजिरी से इस्तिस्ना समेत दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद, क्यों ना मचल के जब्त कर लिए जाएं। अदालत ने जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। शर्जील मेमन से वीआईपी सलूक, साबिक वजीर को तिब्बी सहूलियात की फराहमी जेल हुक्काम को महंगी पड़ गई। शर्जील मेमन केस की इजाजत और हुक्म पर बाकायदा एडमिट हुए, एहतसाब अदालत ने वजाहत मांगी। कराची में अदालत के एसएसपी राव अनवार और दीगर अहलकारों की गिरफ्तारी का हुक्म। सलीम शहजाद के खिलाफ जलाओ घेराओ कत्ल और हंगामा राय के केस की सबात मुकदमात गवाहों की अदम हाजिरी पर इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। अदालत की शदीद बरहमी। जानवरों को भी शनाख्ती कार्ड, वीजा और पासपोर्ट मिलेगा। सिंध हुकूमत के महकमा लाइफ स्टॉक ने अनोखा बिल तैयार कर लिया। नादरा की तर्ज पर सिंध लाइफ स्टॉक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कायम होगी। किसी जानवर के इंतकाल पर अथॉरिटी को आगाह भी करना होगा। शहजाद रॉय कराची की सेंट्रल जेल पहुंच गए, 6 कैदी बच्चों की जमानत करा ली। कहते हैं सरकारी स्कूलों की बेहतरी के बगैर हालात नहीं बदलेंगे, जब तक बच्चों को सजा नहीं सुनाई जाए जेल ना भेजा जाए। कोशिश होगी कि बच्चा जेल खाली हो जाए। नामवर गुलकार ने आवाज का जादू भी जगाया। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बारिश। तबूक में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। खराब मौसम की वजह से जद्दा, ताइफ और दिगर शहरों में तालीमी दारे बंद। शहरियों को वादियों में जाने से रोक दिया गया। रॉबर्ट मुगाबे के 37 साल इक्तदार का खात्मा। नजरबंदी के बाद इस्तीफे पर मजबूर, मुल्क भर में जश्न। जिम्बाब्वे की हुक्मरान जमात मुगाबे को पहले ही पार्टी सदारत से अलग कर चुकी। नेशनल टी20 में फैसलाबाद की कामयाबियों का सिलसिला जारी। फैसलाबाद ने रावलपिंडी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुहेब मकसूद, खुर्रम शहजाद और फहीम अशरफ की तूफानी बैटिंग। फैसलाबाद ने 194 रन का हदफ एक गेंद पहले ही हासिल किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन में बेहतरी के लिए रिव्यू कमेटी कायम कर दी। 4 रुकनी कमेटी प्रोफेसर को एक्शन की दुरुस्ती में माफनत फराहम करेगी। हफीज एनसीए में ट्रेनिंग करेंगे। हर 10 रोज बाद मकामी बायोमैकेनिक लैब में टेस्ट लिया जाएगा। और वाकई जरूरत ईजाद की माँ है। इन साहब को ही देखिए, गाड़ी का पहिया नहीं था तो एक तख्ते को ऐसे एडजस्ट किया कि पहिए की जरूरत ही नहीं रही। हैरान कुन जुगाड़ ने देखने वालों को भी हैरान कर दिया।